तो हावड़ा को आज दूसरे दिन भी हिंसा से मुक्ति नहीं मिल सके और आज हावड़ा में उपद्रवियों ने फिर बवाल किया, पुलिस पर पथराव किया जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। फिर पथराव, फिर हिंसा, फिर आंसू गैस के गोले। पश्चिम बंगाल का हावड़ा आज फिर सुलग उठा। पांचला बाजार में धारा 144 को तोड़कर अचानक भीड़ सड़कों पर उतर आई। पुलिस को देखते ही उपद्रवी पत्थर बरसाने लगे। लेकिन आज कल के मुकाबले पुलिस फोर्स तैयार थी, संख्या बल भी कल के मुकाबले ज्यादा था। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, उपद्रवियों को खदेड़ा और कुछ ही देर में हालात पर काबू पा लिया। इस वक्त हावड़ा के पांचला में है, पांचला मोड़ जगह है। कुछ ही देर पहले यहाँ पे पत्थरबाजी होती है, पुलिस बहुत ज्यादा डिप्लॉय करके यहाँ पे उसी गली जहाँ पे आप देख रहे हैं वहां से भीड़ को हटाती है। वहां पे बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट वहां पर भी है कॉम्बैट फोर्स का। यहाँ पे देखिए टायर जलाया गया है इसी जगह पे। यहाँ पे कल भी यहाँ पे प्रदर्शन हुआ था, आज भी हुआ था, टायर अभी तक जले हुए यहाँ पे दिखे जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें वहाँ पर भी बहुत पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। पुलिस इस पूरे जगह विषय को हल्के में नहीं ले रही है। सेक्शन 144 इम्पोज्ड है इस जगह पे। इंटरनेट की सुविधाएं भी जो है वो कल से ही कम्प्लीटली शट डाउन कर दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान को लेकर कल जुम्मे की नमाज के बाद कल हावड़ा में हिंसा भड़क गई थी। प्रदर्शनकारियों ने 6 घंटे तक सलाब और उलूबेरिया इलाके में हाईवे जाम करके बंद कर दिया। कल हालात बिगड़ गए, 32 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। गंभीर मरीजों को लेकर जा रही एम्बुलेंस भी कई घंटे फंसी रही। जब पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए और देखते ही देखते पथराव होने लगा। देसी बम चलने लगे, तोड़फोड़ शुरू हो गई। डोमजोर इलाके में उपद्रवियों ने पुलिस थाने पर हमला बोल दिया। 2 पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। 12 पुलिस वाले बुरी तरह से जख्मी हो गए। उलूबेरिया ब्लॉक में रेलवे ट्रैक पर भी उपद्रवी उतर आए। कल कई ट्रेन भी इस वजह से प्रभावित हुए। वही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अपील के बाद भी घंटों हालात बेकाबू रहे। हावड़ा हिंसा पर राज्यपाल धनखड़ ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांग ली है तो बीजेपी नेता ने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर कानून व्यवस्था चरमराने की शिकायत की। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग मजहब को सुरक्षा कवच बना करके मानवता को लहूलुहान करने की सांप्रदायिक साजिशी सुपारी के साथ देश में एक षड्यंत्र और साजिशों का जाल बिछा रहे हैं। इस बात को हम सबको समझना होगा, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो और किसी भी क्षेत्र का हो, क्योंकि ये मैं मानता हूँ ये दंगा नहीं है बल्कि इस देश के सौहार्द को तार तार करने का सांप्रदायिक पंगा है। और इस पंगे के पीछे कौन सी प्रायोजित कार्यक्रम चल रहे हैं, कौन सी साजिशें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। बंगाल की सरकार, बंगाल की पुलिस पूरी तरीके से आंख मूंद कर बैठी हुई है। वहां पर इन दंगाइयों को रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं। हमारी मांग है गवर्नर साहब से कि बंगाल में आर्मी को या पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाया जाए, तैनात किया जाए ताकि वहां पर हालात सामान्य हो सके, काबू में आ सके। अब हावड़ा में धारा 144 लागू है, 15 जून तक इंटरनेट भी बंद है। 70 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। हावड़ा से सूर्याग्नि के साथ आज तक ब्यूरो।